राजस्थान में लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 1431 हो गई है। प्रदेश में 26 जिलों में कोरोना का दायरा बढ़ चुका है। राज्य में आज कुल 80 नए पॉजिटिव सामने आ चुके हैं। जोधपुर से 30, भरतपुर से 17, नागौर से 12, जयपुर से 7, सवाईमाधोपुर से 4, बीकानेर, कोटा और झालावाड़ से 2-2 पॉजिटिव आए हैं। तो वहीं भीलवाड़ा, जैसलमेर, झुंझुनू और हनुमानगढ़ से 1-1 पॉजिटिव सामने आया है। सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव जयपुर में है। जयपुर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 526 हो गई है। तो वहीं जोधपुर में 210, भरतपुर में 102, कोटा में 99, टोंक में 95, बांसवाड़ा में 60, नागौर में 43, झुंझुनू में 37, बीकानेर में 37, जैसलमेर में 32, भीलवाड़ा में 29, झालावाड़ में 20, अजमेर में 18, चूरू में 14, दौसा में 13, अलवर में 7, डूंगरपुर में 5, उदयपुर में और सवाईमाधोपुर में 4-4, तो वहीं करौली और हनुमानगढ़ में 3-3 पॉजिटिव हैं। वहीं बात करें पाली, सीकर और प्रतापगढ़ की तो 2-2 कोरोना पॉजिटिव हैं। बाड़मेर और धौलपुर में 1-1 कोरोना पॉजिटिव हैं। ईरान से लौटे यात्रियों में अब तक 60 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इटली से आए 2 पर्यटक भी पॉजिटिव मिले थे। राजस्थान में अब तक 23 कोरोना पॉजिटिवों की मौत हो चुकी है। वहीं जयपुर में 13, भीलवाड़ा, कोटा और जोधपुर में 2-2, बीकानेर, अलवर और टोंक में 1-1 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। तो उत्तर प्रदेश के एक नागरिक की भी मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 205 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। इनमें से 97 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 54,614 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 43,537 सैंपलों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। 6,646 सैंपलों की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। राजस्थान में कल से मॉडिफाइड